यूपी के गोरखपुर में उपस्थित हैं। यहाँ जो यूपी सिपाही भर्ती का चल रहा था उसमें क्वेश्चन लीक मामले में हमारे भैया लोग जो भी हैं ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहिएगा भैया? हम लोग मतलब आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में आज कॉल दिए हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ है, RO का पेपर लीक हुआ है, इसके खिलाफ कि सरकार एक तरफ तो 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल के बाद जाकर कोई जाम कंडक्ट करा रही है, उसके बाद कोई जाम हो भी रहा है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जब छात्र हैं मांग उठा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि पेपर को कैंसिल करके रीजाम कराया जाए, तो पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से उसका रीजाम कराया जाए, यह मुद्दा लेकर हम लोग जा रहे हैं। इस मुद्दे के तहत आज इलाहाबाद से लेकर दिल्ली, लखनऊ से लेकर हर जगह पर क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग भी आज यहाँ गोरखपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम दूसरे छात्र से जानते हैं, जो एग्जाम में जो एक परीक्षा वो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 5-6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फार्म आए और लोग हम भरें। काश कभी कोई फार्म आए और उसे भरें। फिर तैयारी करते करते फार्म आता है, किसी तरह एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है लीक हो गया, तो ऐसे में कितने लोग रोने लगते हैं परीक्षा में। और हम किसी, हम अपना बताएं पर्सनल, तो एग्ज़ाम देने के बाद हम गए तो हम बता रहे थे कि 117 क्वेश्चन हमारा लगभग सही है, तो तब तो कई लोग खुश हो गए थे तब तो हो जाएगा। अब फिर बाद में पता हुआ कि ये तो ख़त्म हो गया। कितने दिनों बाद ये बहाली आई है? 5 साल बाद आई है। और इसे मांग कर रही है तो सरकार वही तानाशाही रवैया अपना रही है कि अपने मन मर्जी का, वो एक तरफ तो अभी किसी का कोई हो जाता है, कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ उसके घर जाकर बुलडोजर चला देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक हो गया उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, उनका कोई वही नहीं है कि उनका क्या किया कि कैसे पेपर लीक हो गया, इसका कोई जवाब ही नहीं है। जांच कमेटी बना दी गई है, जांच कमेटी होता रहेगा 3-4 साल तक, कब तक होगा कोई पता नहीं है। जांच होगा फिर चला जाएगा कोर्ट में, चला जाएगा पता चलेगा 10-10 साल के बाद पेपर कंडक्ट होगा। 5 साल बाद आपको बहाली आती है, वो भी 60,000 के करीब, और वो भी बहाली जो आती है उसकी प्रश्न पत्र लीक हो जाती है। बहुत सारे छात्रों को व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से उन्हें मिल जाता है, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सारे हमारे जो ये छात्र संघ के नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा इकट्ठा करो और नौकरी पाओ। आइए इसी पर हम एक बहन से बात करेंगे। देखिए 5 साल तक एक कमरे में छोटे से एक किताबों का रट्टा लगाते हुए लोग आँख फोड़ लेते हैं, लेकिन आज बात ये है ना कि जो पैसा खर्च कर सकता है तो परीक्षा के 2 दिन पहले वो पर्चा खरीद लेता है और वो सफल हो जाता है। यानी सफलता और असफलता का पैमाना क्या है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये पैमाना नहीं है। आप कितना पैसा खर्च करके पर्चा लीक करा लेते हैं, और अब पिछले 7 सालों में साथी ने बताया ही कि 70 से ज़्यादा पर्चा लीक हो चुका है। मतलब कि जैसे परीक्षा का एक आवश्यक नियम बन चुका है कि पर्चा लीक होगा फिर वो कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और नियुक्ति पत्र देते देते वो 6-7 साल की प्रक्रिया लगा देंगे। अब एक इंसान की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चला जाएगा इन 6-7 सालों में। हम लोग ये कह रहे हैं कि देश भर में राज्य और केंद्र के विभागों में लगभग 60 लाख पद खाली हैं, सरकार उनको क्यों नहीं भर रही है? अगर एक नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो उसकी ज़िंदगी जाएगी कहाँ पे? आप जाइए इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में नौजवान एक हताशा में जी रहा है, क्योंकि 8-10 साल एक छोटे से कमरे में तैयारी करने के बाद पता चल रहा है कि कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है, और अगर वैकेंसी आती भी है तो पर्चा लीक एक सामान्य बात हो चुका है, भ्रष्टाचार हो जाता है। तो अब नौजवान भी कितने सालों तक सब्र कर सकता है? कितने सारे नौजवान हताश, निराश होकर डिप्रेशन के शिकार होते हैं और बहुत सारे तो आत्महत्या कर लेते हैं। जिस दिन RO का पर्चा लीक हुआ था उस दिन से इलाहाबाद में केवल 11 नौजवानों ने आत्महत्या किया है। परसों केवल एक दिन में 3 नौजवान इलाहाबाद में आत्महत्या किए हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ में, इलाहाबाद, बनारस में, लेकिन बताएं कि जो सरकार नौजवानों को कहती है कि देश के भविष्य हैं, उन नौजवानों की बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई क्या हो रही है? आज जगह जगह पे ऐसी चीज़ें हमारे बीच परोसी जा रही हैं, जाति और धर्म जैसा मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि नौजवानों की जो आबादी इकट्ठी है वो बट जाए और वो रोज़गार का मुद्दा ना उठा सके, वो महंगी शिक्षा का मुद्दा ना उठा सके, वो विभागों के खाली पड़े पदों को भरने का मुद्दा ना उठा सके, इसीलिए उन्हें गलत सलत मुद्दों में बांटा जा रहा है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आज नौजवानों के लिए सामने जो इस आंदोलन के बाद हम लोग मांग रख रहे हैं कि सबसे पहले तो
इस पर तुरंत जांच हो करके और जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरी बात कि परीक्षा दोबारा कराया जाए और बहुत ही पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराया जाए। तीसरी बात कि ये ठेकाकरण और निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए और विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाए। इसी तरह की हमारी मांगे हैं जो मानते हैं कि देश स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए, नौजवानों की एकजुटता स्थापित की जाए और सरकारों के नाक में दम कर दिया जाए कि हमारी मांगों को मानने के लिए बाध्य हों। इसी रूप में हम लोग आज इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं कि पर्चा लीक कोई सामान्य छात्र नहीं करा सकता है। पर्चा लीक बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के कभी नहीं हो सकता है लीक। इसलिए ये कोई सामान्य छात्र की कारगुजारी नहीं है, ये बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं और बड़े बड़े धन्ना सेठों की कारगुजारी है जिससे पर्चा लीक होता है और एक सामान्य छात्र जो सालों तैयारी करता है उसके सपने बिखर जाते हैं, उसका भविष्य चौपट हो जाता है। तो इस रूप में आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो अपनी मांगे हमारी रख रहे हैं केंद्र से राज्य सरकार के को बता रहे हैं कि इन मांगों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, नहीं तो ये तो अभी देखिए आंदोलन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले 5-7 दिनों से इलाहाबाद में छात्र बैठे हैं, आज लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट है, अब देखिए नौजवानों का ये आंदोलन आगे कितना जाता है। तो इस रूप में गोरखपुर शहर में भी आज हम लोग दिशा की तरफ से प्रदर्शन रखे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही गोरखपुर में किसी नेता मंत्री का कोई रैली रहला हो तो गाज़ियाबाद से मेरठ से परिवहन की बसों को मुफ्त कर दिया जाता है, लोगों को बुला करके भाषण पिलाया जाता है। पीईटी का एग्ज़ाम पिछले साल जब कराया गया था तो ट्रेनों में भूसे के जैसे छात्र नौजवान भर के गए थे। 19 छात्रों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, ये अखबारी खबर है। इस बार अभी पुलिस का जब पेपर हुआ था तो आप गोरखपुर से लेकर के देवरिया से लेकर के बस्ती गोंडा से लेकर के इलाहाबाद के तमाम स्टेशनों पर जाते तो हजारों लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठे थे। कानपुर स्टेशन के का एक वायरल हुआ ही था, बाथरूम में टॉयलेट में एक एक सीट पे 10-10 20-20 गज करके किसी तरीके से छात्र नौजवान पहुँचे वहाँ पर कि हम परीक्षा देंगे, संभवतः परीक्षा अगर ठीक से हो गया तो हमको नौकरी मिलेगी, और परीक्षा लीक हो गया। हमारा यही कहना है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, यात्रा व्यय सरकार का और यात्रा छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टेस्टिंग एजेंसी और गवर्नमेंट की होनी चाहिए, छात्रों की यह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 400-500 रुपए एक एक फार्म की फीस लिया जाता है। भैया ने बताया कि 400-500 फीस दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे छात्र ने बताया कि फीस से ज़्यादा किराया लग जाता है, छात्र का फॉर्म फीस से ज़्यादा किराया लग जाता है और जाने का मात्र एक साधन होता है जो कि साधन वो भी जहां 5 सीट रहता है वहां 15 लोग बैठते हैं, लेकिन लैट्रिन में और वो भी जो भी खाली जो सामान रखने वाला होता है उसमें छात्र लोग चढ़ के जाते हैं। आइए इसी के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूं। ABC हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ आप बने रहिए।